नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा, आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज में स्वागत है। आज आपको दिखा रहे हैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट मुंबई से, जहां पर स्टार मीडिया की टीम पहुंच चुकी है। जनता की समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज की टीम खड़ी है वार्ड क्रमांक 44 के इलाके में। यहाँ की स्थानीय नगर सेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा है कि जन प्रतिनिधि ने कितनी सेवाएं दी जनता को, यहाँ की जनता को जानते हैं जनता से। अब ये बताएं कि जन प्रतिनिधि ने आपको लॉकडाउन के समय कितनी सेवाएं दी है? कोई नहीं सेवा नहीं दी हमने, कोई अनाज कोई नहीं, कुछ भी नहीं, अनाज भी नहीं, कोई नहीं, ना देखने को आया ना पूछने को आया, तुम लोग कैसे हैं, क्या है, क्या मिला नहीं मिला, कोई पूछने को आया नहीं, ना कोई ना देने को आया। और यहाँ पर सैनिटाइजिंग हुआ आपके एरिया में? नहीं हुआ। और यहाँ पर कोई मास्क बांटे गए आपके लिए? कोई नहीं, ये तो हमारा सिर्फ जो 40 में मालिक है उसी ने जो दिया वही दिया, बाकी और कुछ नहीं। तो आपका घर कैसे चल पा रहा है इस समय? चल रहा है कि अभी चल रहा है, इसके उससे आजू बाजू वाले से मांग मांग के कैसा भी अपना गुजारा कर रहे हैं। नफीजा जी, ये बताए कि जनप्रतिनिधि ने आपको कितनी सेवाएं दी 3 महीने के लॉकडाउन में? किसी ने कुछ नहीं दिया है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई आया ही नहीं देने के लिए। जो किए वो इधर ही एरिया वालों ने किया, आजू बाजू वालों ने, ये जो पापा भाई की गली में हम लोग रहते वो लोग ही दिए, वो लोग दिए घर पे लाके, वो कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई नहीं, ऐसे फिर भी मदद की, बाकी कार्यकर्ता ने तो किसी ने कुछ नहीं दिया। तो जो जनप्रतिनिधि की ओर से कोई सैनिटाइजिंग कुछ नहीं मिला हम लोग, कुछ नहीं मिला। तो आप यहाँ तक कि राशन की दुकान पे मैं आधार कार्ड लेके गई तो वहाँ भी राशन नहीं मिला है। राशन कार्ड पे आधार कार्ड ले गई तो बोले राशन कार्ड लाओ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मेरे पास राशन कार्ड तो है नहीं, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके गई तो नहीं दिया राशन। तो आपका घर कैसे चल पा रहा है? तो वैसे ही चल रहा है, क्या करें, बताई ना कि मैं काम करती हूँ तो वहीं से मिलता है। आप कहाँ काम करते माता जी? यहाँ करती हूँ मेरा मैं। अच्छा, तो वहाँ से कोई सेवा मिली आप? हाँ, वो लोग ही घर से ही दिए खाली उनके। अच्छा, और किधर से, बाहर से नहीं मिला, जहाँ मैं करती हूँ वही लोगों ने दिया, बाकी कोई गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं मिला उनकी तरफ। और यहाँ की जो नगर सेविका है उनके, उन्होंने कभी आपका हालचाल पूछने आए? कोई नहीं आया, यहाँ की नगर सेवक जानते ही नहीं हम लोग कौन है, कभी आए ही नहीं है गली में, तो वही आए नहीं है गली में तो अपने को क्या मालूम। हसीना जी, ये बताएं कि जनप्रतिनिधि ने आपको लॉकडाउन के समय कितनी सेवाएं दी? कुछ भी नहीं दिया हम लोग, तो कोई आया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, कुछ किसने को दिया ही नहीं। तो आपके यहाँ सैनिटाइजिंग वगैरह या मास्क? कुछ भी नहीं। तो आपका घर कैसे चल रहा है? हम लोग का घर चलता है, करते हम लोग कुछ भी घर में काम या कुछ बेचते तो उसे चल रहा है। लॉकडाउन के समय आपको बेचने दिया जा रहा था? नहीं दे रहा नहीं था। तो अभी जो आपके हालचाल पूछने जानने भी जनप्रतिनिधि आए क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या कहेंगे, कुछ सरकार को देती ही नहीं, बोले ये देंगी वो देंगी ये करेंगे, और सब टीवी में बताता मगर कुछ पहुँचता नहीं हम लोग के पास। राशन वाले के यहाँ जाओ तो वो भी नहीं देता, अगर चावल देता तो बोलता क्या है नहीं, बाद में आओ फलाना ढंग का ऐसा ही। तो आपके नगर सेविका को कुछ बोला है? नहीं, नगर सेविका कोई इधर आता ही नहीं, कोई पूछने नहीं आता है चाली में हमारे, तो हमारे बाजू में है चाली वाला, तो वो बेचारे ने हम लोग को राशन दिया था बस, और कुछ नहीं। आइए तो कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं कि जनप्रतिनिधि ने उनको कितनी सेवाएं दी लॉकडाउन के तहत। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुबारक खान है। मुबारक, ये बताएं कि लॉकडाउन के समय जनप्रतिनिधि ने आपको कितनी सेवाएं दी? कोई किसी ने कोई सेवा नहीं दी, कोई मदद नहीं, कोई अनाज कोई किसी ने नहीं दिया, ना राशन की दुकान में जाएगा तो वो बोलता है कल आओ परसों आओ, कोई किसी को मदद नहीं किया है। यहाँ के नगर सेवक 5 साल में एक बार आएंगे, पूछेंगे और अपना अपना घर पर चला जाएंगे। यहाँ गरीब लोग जो रोज कमाने वाले, जो बेचारे रोज का 200-400 कमाने वाले, सब भूखे मर रहे, इधर अड़ोस पड़ोस इससे उसे मांग मांग के अपना घर चल रहा है, बाकी कोई किसी का मदद नहीं किया। बड़े बड़े जो मिनिस्टर लेवल के अंदर जो बैठे टीवी में, इसमें उसमें भाषण देंगे, तुमको ये मदद मिलेगा वो मदद मिलेगा, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिला, और मदद मिलता भी है तो सब अमीर लोग के इधर जाता है, गरीब लोग के एरिए में, गरीब लोग के मोहल्ले के अंदर कोई जाके पूछता नहीं कि क्या हाल है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तबीयत कैसी, बीमार है क्या, कोई पूछता नहीं। तो आपके यहाँ पर भी कोई ऐसे पॉजिटिव केस आए थे क्या, निकले थे? नहीं, ऐसे कोई केस नहीं आया इस पूरे एरिया में, पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई पॉजिटिव केस आया नहीं, खाली वो फॉय लोगों ने उड़ाया है। अच्छा, ऐसा कोई केस हुआ नहीं। अच्छा, सैनिटाइजिंग इस एरिया में किया गया? किसी ने नहीं किया, ना मास्क दिया, ना सैनिटाइजर दिया, ना किसी ने कुछ दिया नहीं।
और आप क्या कहना चाहोगे राज्य सरकार से? राज्य सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतनी बड़ी बड़ी भाषण देते हो, आप लोग आकर के खुद बाहर निकल के गरीब लोगों को पूछो, गरीब लोगों को हेल्प करो, गरीब लोगों को मदद करो, यही आपको आगे जाके वोटिंग में आगे पहुँचाएगा, आपका नाम होगा। तो यहाँ की नगर सेविका ने आपके कोई हाल चाल भी पूछना है? नगर सेवक खुद लॉकडाउन में फंसा है, वो खुद अपना जान बचाते बेटा, वो क्या किसी के मोहल्ले के अंदर जाएगा? वो ही नहीं आया यहाँ, सिर्फ अगर काम किया है तो पुलिस वाले ने किया है, पुलिस वाले का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो अच्छे से अच्छा मदद किया, अच्छे से अच्छा सपोर्ट किया है। बाकी और कोई नेता, कोई छोटा मोटा आदमी या बड़े लेवल का कोई आदमी नहीं आया। तो और यहाँ पर जिस तरीके से राज्य सरकार ने जो कहा है कि आप महफूज घर में रहिए और जनप्रतिनिधि आपको सारी चीज़ें मुहैया करवाएंगे, तो क्या क्या करवाएंगे? वो एक कुछ नहीं करवाया, खाली इन्होंने बड़ी बड़ी बात की है, गरीबों के आगे ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ से 4 फुट हमको जाने आगे जाने भी नहीं दिया है, तो हम लोग हाथ पैर कुछ पलाया या कुछ चलाया, छोटा मोटा कांदा बटाटा या फल फ्रूट ला के बेचे, उसमें भी एक्शन लिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया, वो भी चलाने नहीं दी। आपका घर कैसे चलता है? घर कैसे चलता है? किसी दोस्त से, किसी अहबाब से, किसी रिश्तेदार से मांग मांग के घर चला रहे हम लोग। अभी रोज कमाने वाला कहाँ से लाएगा? कोई पड़ोस ने मदद किया, यहाँ पर कोई संस्था ने मदद किया, किसी ने पका हुआ भोजन किया है? यहाँ ऐसा कोई संस्था नहीं, हमारा एक ग्रुप था जो टेम्पो यूनियन का जो ग्रुप था, उन लोग ने एक दूसरे की मदद किया, बाकी और कोई आया नहीं। और भी कोई पका हुआ भोजन कहीं से कोई पका हुआ भोजन मिला था, लेकिन वो सिर्फ गरीबों के लिए, एकदम जो जो रोड पे रहने वाले है एकदम उसके लिए था, जो जिसका घर का ठिकाना नहीं है, जो फुटपाथ पे सोना है उसी के लिए था। लेकिन जहाँ ये बताया गया कि राशन पानी घर घर पहुँचाया जाएगा, कांदा बटाटा घर घर पहुँचाया जाएगा, कोई आया नहीं ना कोई मदद के लिए आया। और हमने सुना है कि यहाँ पर कोई कचरा पेटी भी है, आप लोग कचरा वगैरह कहाँ डालने जाते हैं? कचरा के लिए भी बड़ी दिक्कत हो गई है अभी जब से ये रोड का काम चालू हुआ, उससे पहले कचरा पेटी था उधर, उसके बाद ये रोड का काम चालू हुआ तो कचरा पेटी हटाया गया, और अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ कचरा पेटी नहीं चाहिए, तो हमको जाना पड़ता या उधर या तो फिर पिपरीपाड़ा जाना पड़ता। तकलीफ तो है इस बस्ती के अंदर। सर हमने सुना कि एक शौचालय भी था यहाँ पर। शौचालय उधर आगे है अभी, शौचालय है अभी, लेकिन वो शौचालय के अंदर भी पैसा चाहिए ना जी, बिगर पैसे का शौचालय भी नहीं खुलता है। आजकल आदमी जो नशा करता है, जो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खाने वाला, उसके पास 10 रुपया नहीं रहता तो शौचालय में क्या जाएगा जी, समझे कि नहीं? ये सब बड़े बड़े लोगों के छोचले है, खाली पब्लिक को बड़े बड़े आश्वासन दिए और कुछ काम के नहीं है, समझे? इनका काम ये था कि आज तुमने 3 महीने का लॉकडाउन किया है कि आप बड़े लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन आपके जो हाथ के नीचे कई लोग हैं, 400-500 जो मजदूर हैं, उनको घर घर आपको पहुंचाना चाहिए था कि गरीब लोग के हाथ जाके देखो राशन खा रहे कि नहीं खा रहे, चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दाल, यानी उनका काम था, लेकिन उन लोग तो अपना मस्त लॉकडाउन के अंदर अपना हवेली के अंदर बैठ गए। आप देख रहे थे मुद्दा जनता का, किस तरीके से जनता ने गिड़गिड़ाहट लगाई अपने जन प्रतिनिधि के लिए। ये वो इलाका है कि जो पठानवाड़ी का इलाका, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर झुग्गियाँ ज़्यादा है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्लम का एरिया माना जाता है, जहाँ वहीं पर हर 10 मिनट के दरमियान में हमें मोदी साहब ने कहा था कि जन प्रतिनिधि आपको सेवा देंगे, आप घर में महफूज रहे, घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन डाउन का पालन करें, परंतु यहाँ तो जनता ने तो पालन किया, और जन प्रतिनिधि ने कितना पालन किया, सुना आपने जनता की जुबानी, मुद्दा जनता का। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।